हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको जूम क्लास पर द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रॉपर तरीके से समझा दिया था, आई होप अब आपको उस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं दे रही हूँ, इनको आप कॉपी में कर लें। चैप्टर पढ़कर आपको इनके आंसर्स ढूंढने हैं और उनको कॉपी में करना है। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है या कोई आंसर आपको नहीं मिल पाता है तो हम उसको जूम क्लास पर डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा देती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे इसके आंसर्स मिल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे चैप्टर। ऑल दो इन क्वेश्चंस के मैंने कई बार आंसर्स आपको जूम क्लास पे भी बता दिए थे, हिंट दे दिया था मैंने आपको कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है या ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्वेश्चन वन है, राइट द नेम ऑफ टू पर्सन हु डिस्कवर्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, कि उन दो पर्सन के नाम बताओ जिन्होंने हड़प्पा को और मोहनजोदाड़ो को ढूंढा था। तो आप ध्यान रखें दोनों अलग अलग हैं, हड़प्पा को ढूंढने वाले अलग है और मोहनजोदाड़ो को ढूंढने वाले अलग है। तो उन दो आर्कियोलॉजिस्ट के आपको नाम लिखने हैं जो आपको चैप्टर के शुरू में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं, ये भी आपको चैप्टर की एकदम स्टार्टिंग में मिल जाएगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका आपको रीज़न लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट शोज अस दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामिया, कि हमें किस चीज़ से पता चलता है, कैसे पता चलता है हमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। ये चैप्टर समझाते वक्त मैंने आपको बताया था, स्पेशली हाईलाइट किया था। तो क्या चीज़ हमें ऐसी मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के ट्रेड रिलेशन थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच टू रिवर्स, उन दो रिवर्स के नाम बताने हैं, उन दो नदियों के नाम बताने हैं जिसके किनारे पर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है वो सिचुएटेड थे। इसमें सिर्फ आप रिवर्स के नाम ही लिखेंगे। नेक्स्ट है, वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको फ्यूचर में भी काम आ सकता है कि हम लोग क्यों कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको, जबकि हड़प्पा तो एक साइट का नाम है, उसके बावजूद हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कह सकते हैं। तो आपको ये मिलेगा, मैंने वीडियो आपको जो भेजी थी उसमें भी बताया था और आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्यों कहते हैं। राइट द नेम ऑफ सम साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स के नाम लिखने हैं। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपको चैप्टर में साइट्स के साथ साथ कहाँ पर वो मिली है उस जगह का भी नाम लिखा हुआ है, तो वो भी आपको लिखना है। आपको कई बार पेपर में जो है मैच द फॉलोइंग में ऐसा आ जाता है कि आपको एक तरफ साइट्स दी हुई होती है और एक तरफ जो है जगह दी हुई होती है, तो आपको मैच करनी होती है कि कौन सी जगह पर कौन सी साइट जो है वो हमें मिली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी साइट का नाम लिख रहे हो तो उस साइट के साथ साथ आपको उस जगह का भी नाम लिखना है जिस जगह पर इस साइट को ढूंढा गया था। नेक्स्ट है, राइट द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितनी टाइप्स की बिल्डिंग्स होती थी, बिल्डिंग्स बतानी है आपको। यहाँ पर ध्यान रखना है सिर्फ बिल्डिंग्स, हिंट दे रही थी टू टाइप्स की बिल्डिंग्स थी, तो अब आप समझ जाएंगे कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स के आपके आने हैं नाम। नेक्स्ट है, इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद विच कंट्रीज, उन कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं जिनके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। तीन चार कंट्रीज़ के नाम आपको दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर और ट्रेड वाले टॉपिक में दिए हुए हैं, तो आई होप आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, हाउ सील्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर अस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सील्स हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, सील्स हमें ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि हम सील्स को एक वैल्यूएबल सोर्स मानते हैं। वो मैंने आपको चैप्टर का समझाते वक्त बताया था, स्पेशली जूम क्लास पे बताया था, हाईलाइट करते हुए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू वी नो डैट द पीपल ऑफ इंडस वैली यूज्ड टू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि हम लोग कैसे ये जान सकते हैं कि इंडस वैली के लोग जो है लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। ये भी मैंने आपको बताया था और पता ही होगा आपको कि किस में मिलेगा, ये एकदम एंड के चैप्टर के जो पार्ट्स हैं उनमें मिलेगा, डिक्लाइन वाले से ऊपर। अब मैंने इनमें दो तीन क्वेश्चंस जो हैं आपको नहीं दिए हैं, जैसे ग्रेट पाथ नहीं दिया है मैंने आपको,
असेंबली हॉल नहीं दिया है, वो सब मैंने इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है ही, ये आपको करने ही हैं। इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी मैं आपको दे चुकी हूँ पहले पीडीएफ में। तो आप ध्यान रखें कि सिर्फ इन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पे आपको नहीं रहना है, ये तो है ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर के बीच में से। इसके अलावा जो चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताया होगा तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे जूम क्लास पर पूछ लीजिएगा।